बस अब बहुत हो गया, मैंने जो बताया है. नाउ लेट्स गो ओवर टू ऑड्री डी सिल्वा. कैन यू इमेजिन दिस ऑल हैपनिंग हियर? आई मीन हम एक दूसरे को जानते हैं, पर इतनी गहराई से नहीं जानते थे. सो हैप्पी टू मीट समबडी हु फ्रॉम द सेम स्कूल. आई मीन इट्स सच अ कोइंसिडेंस. ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक एवरी जर्नी इन लाइफ हैज बीन एन इनक्रेडिबल. या एंड योर्स इज एन अनयूजुअल वन. वेरी मच. सालों की ट्रेनिंग लगती है अगर आप पैजेंट के लिए जा रहे हो. तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पैजेंट, 3-4 पैजेंट्स कर लिया था पास में. एंड देन आई डिड मिस इंडिया. सो एट फर्स्ट आई वाज नॉट सिलेक्टेड. ओके. आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम मिस इंडिया बिकॉज आई हैड नो बैकिंग ऑन माय फेस. आई डिडंट नो दैट. या आई हैड वेरी बैड एक्ने. एंड मुझे पता नहीं था. आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि आपकी आवाज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक पे अलग साउंड होना. तो वो सब ट्रांजिशन मॉड्यूलेशन मैंने वहीं पे सीखा था. सो मुझे बस ऐसे स्टेज पे भेज दिया था. एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ.